सबसे बेहतर स्कीम बताया देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा और खराब है और ये देश के के कर्मचारियों साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्ध सैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया वो इस दायरे में नहीं आएंगे देश के पैरा मिलिट्री इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी पच्चीस साल की सर्विस होती ही नहीं तो जब उनकी पच्चीस साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे वरना दस हजार रुपए की पेंशन उनको मिलेगी दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की मान लीजिए आपने चालीस साल नौकरी की तो हर महीने आपका दस परसेंट सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लीजिए मान लीजिए एक लाख की सैलरी है चालीस साल आपने नौकरी की कभी दो लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी कभी तीन लाख होगी जितना पैसा आता है दस परसेंट के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास उसके बाद क्या करेंगे अंतिम के बारह महीने जो हैं उसका एवरेज निकाल कर छ महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर यह कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी दस प्रतिशत कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा दूसरी चीज आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी 20, 20 साल से बढ़ाकर उसको 25 साल कर दिया कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब वो तो देंगे आप तो लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए भाई पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है आप ओपीएस बहाल कीजिए और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है वो 20 साल रखिए आप आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे एक तो दूसरा बड़ा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आरक्षण को लेकर उन्होंने बात उन्होंने कहा कि जो हम अगर सत्ता में आते हैं तो नेशनल ये जो कास्ट सेंसस कराएंगे और उसमें फिफ्टी परसेंट का जो रिजर्वेशन कहते हैं हटाया जाएगा उसे लेकर बातें होंगी और उनका ये भी करना था कि अभी जो देखिये जातीय जनगणना इस देश के ओबीसी एस सी समाज के बीच में एक बहुत बड़ी डिमांड है और जातीय जनगणना किए बगैर आप उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए आपने कब से आपने जाति जनगणना कराई ही नहीं तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त जरूरी है कि देश में सभी जातियों का सामाजिक आर्थिक हालात उनके क्या है इसके लिए जातीय जनगणना हो। एक अंतिम सवाल बीजेपी ने चुनाव आयोग को ये भाग भाजपा भाग है भाग भाजपा भाग चुनाव से भाग ये तो पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने की बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन चार राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं लड़ पा रहे हैं भाजपा और चुनाव आयोग को लिख रहे हैं कि साहब हमको हरियाणा में चुनाव चूंकि भाजपा हार रही इसलिए कह रहे हैं हमें भागने दो तो मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग उनको भागने देना चाहिए बाकी तो चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है हम लोग जानते ही हैं भागने नहीं देना चाहिए भाजपाइयों को एक अक्टूबर के चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा क्योंकि चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी